वहां जाके यूट्यूब पे चढ़ाना शुरू कर देंगे। हाँ, इनका मसला बस यही है कि, और दूसरा ये है कि इनको पजीराई ना, मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा तबका यार कोई इनको नहीं सुनता। मुझे बताएं कौन सीरियस बंदा है जो सुन रहा है। और डंगरों की कमी तो ना पहले थी ना अब है जी। तारिक मसूद साहब माशाल्लाह कितने मिलियन लेके बैठे हुए हैं। नहीं तो तारिक मसूद साहब तकफीरी तो नहीं है ना यार, ये तो ना इल्जाम उन पर लगा है। हमारा उनसे लाख इख्तलाफ, तकफीर तो नहीं मुकरते। एक दो जगह जज्बाती उनसे जुमले निकले, उन्होंने उस पर माजरत कर ली हुई है। अदरवाइज वो तो अलान की है। हाँ अलान ही की है वो तो। देखें मतलब प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो एक है वो चाहते हैं। वो तो एक दुनिया में जो सर्वाइवल के लिए एक अच्छा बंदे को इंसान बनना चाहिए वो बने हुए। आप दीन से हट के उनको देखें ना, एक कामयाब यूट्यूबर हैं वो। कामयाब यूट्यूबर वो तो नहीं होगा जो तकफीर करे किसी की, उसको कौन सुनेगा। कामयाब यूट्यूबर वो होगा जो अच्छी अच्छी मीठी मीठी ऐसी बातें करे जो लोग सुनना चाहें। तकफीर करेगा तो लोग उसकी बात कैसे सुनेंगे। और तो तारिक मसूद साहब जो है वो कोई उस तरह कोई मुफ्ती या कोई मुहक्किक तो वो नहीं है ना। वो तो एक अच्छे स्पीकर हैं जिसकी वजह से उनकी पजीराई है। अदरवाइज इल्मी गुफ्तगू तो आपको पता कितनी करते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं। वो तो नकाल ही होते हैं, बस बात सुन के आगे बयान कर दी तो फतावा लिखते हैं। मैंने तो अभी तक कोई आयत नहीं है, वो नकाह भी है। चले वो एक उनका ज़ाती मामला है, वो उनके साथ है। बाकी ठीक है, तारिक मसूद साहब तो मैं समझता हूँ कि जहाँ इन तकफीरी मुल्लों को हम देखते हैं तो तारिक मसूद साहब तो नेमत है। मैं कहता हूँ सारे तारिक मसूद ही बन जाए तो तब भी दुनिया में अमर हो जाएगा। जाहिर है जी बेजर लोग हैं, तारिक जमील बन जाए सारे बेजर लोग हैं यार। ये लोग कौन सी नेगेटिव सोच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी मजाक की कोई बात कर देंगे, कोई आपको किसी बुजुर्ग का वाक्य सुना देंगे, कोई आपको कोई हूर का किस्सा सुना देंगे, आप दिल बहला लेंगे। इससे कोई उठ के किसी को मारेगा तो नहीं। हमारे एक दोस्त है मौलवी हैं, तो जब अदाकारों के नाम आते हैं ना तो साथ में वो भी, जैसे शाहरुख खान का नाम आ गया तो वो कहते हैं शाहरुख खान हाफिज़ाउल्लाह। ठीक है, मैं उससे जब तक जिंदा है तो ठीक है। कई दफ़ा मैंने उससे पूछा यार ये क्या है, तो क्यों कहता है यार अगर मौलाना फजल रहमान इमाम इनकलाब हो सकता है तो शाहरुख खान हाफिज़ाउल्लाह तो नहीं बोल सकते उसके लिए। शाहरुख खान से बड़ा हाफिज़ाउल्लाह तो आमिर खान है जिसने फीके फिल्म बनाई है। सदियों से जो शिर्क खत्म नहीं हो रहा था पढ़े लिखे तबके में, उसकी एक फिल्म ने खत्म कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, आपका और मैं नहायत ही शुक्रिया अदा करता हूँ।